नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आप में से जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे नए वीडियोस के बारे में। ये मार गोमती ग्रीन्स है, जो पहले देख चुके हैं उन्हें आइडिया होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। मार गोमती ग्रीन्स गोमती नगर एक्सटेंशन में एक प्रोजेक्ट है। MR बना रहा है, इसे डेवलप कर रहा है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। इसमें पीछे का जो हिस्सा है सेक्टर D, इसमें कुछ डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं हुआ था। तो अगर आपका इसमें प्लॉट है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है अपडेट जानने के लिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए गोमती नगर एक्सटेंशन में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये LDA रेरा अप्रूव्ड है। और टाउनशिप आप जैसा देख पा रहे हैं वीडियो में, काफ़ी अच्छी डेवलप है। यहाँ पे अच्छी रोड्स बनी हुई हैं और आपको प्लांटेशन वगैरह करके सिक्योरिटी के साथ, जैसे आप सामने देखिए सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। ये जो रोड है पीछे निकलती है 45 मीटर रोड, ये ऐसे सीधे चली जाती है पुलिस हेडक्वार्टर के पास। अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो सामने पुलिस हेडक्वार्टर है, बिल्कुल इस जगह पे ये पुलिस हेडक्वार्टर है। और स्टेडियम की फ्लड लाइट्स भी यहाँ पे दिख रही होंगी, अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे फ्लड लाइट्स स्टेडियम की दिख रही होंगी, दूर हैं। ये सेक्टर D4 है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये सेक्टर D4 है। यहाँ पर देखिए रोड्स पूरी बन गई हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्लांटेशन का भी काम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया गया है, तो ग्रेजुअली ये काफ़ी डेवलप हो जाएंगे प्लांट्स, तो इसका काफ़ी अच्छा लुक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़े प्लांट भी लगाए गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए उस तरफ सामने की तरफ जो रोड हैं वो भी बन चुकी हैं, वहाँ सेक्टर D2 और D3 लगते हैं। कुछ D4 का भी हिस्सा है जो इस तरफ है, D4 का हिस्सा है, फिर D3 लगता है। यहाँ पे देखिए इस तरफ D2, D4, D3 ये सब लगता है। यहाँ पे भी रोड्स बन चुकी हैं, मैं आपको आगे से चल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये रोड यहाँ पे बनी हुई है, ये रोड बनना बाकी है, ये भी यहाँ पे रोड है। तो आपको बताऊँ मैं, ये D4 लगता है, ये सामने वाला सेक्टर D4 है, ये वाला, ये जो सेक्टर, ये D4 लगता है पूरा। और ये D2 है, आगे की तरफ D4 है, इस तरफ D4 है और इधर D2 है। तो यहाँ पे भी देखिए रोड बन चुकी है, तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है और आपने अभी ट्रांसफ़र नहीं लिया है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आपको ट्रांसफ़र ऑफ़र हो गया है यहाँ पे। थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, फॉर्मेलिटीज़ KYC करके आप दे देंगे तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगी यूनिट इन केस। और अगर आप पोजीशन के लिए देख रहे हैं तो जल्द ही आपको पोजीशन मिल जाएगा, मार्च तक ही आपको पोजीशन मिल जाएगा, जिस तरह का डेवलपमेंट है। यहाँ पे देखिए अभी काम चल ही रहा है, रोड बना दिए, ये रोड ऐसे जाती है और ये D7 में निकलेगी वहाँ पर जाके, और ये आपकी राउंड अबाउट बनना है, जो सर्कल बनना है उसके लिए है। ये रोड बिल्कुल सीधी यहाँ चली आएगी और राउंड अबाउट वो उधर ऐसे जाएगा उस तरफ, ये जो मकान देख रहे हैं यहीं से राउंड अबाउट ये गोल चक्कर बनेगा, तो पूरा आपका ये सेक्टर कनेक्टेड हो जाएगा। आपको बता दें ये जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये अभी यहाँ पे एक्विजिशन नहीं हो पाया है, कुछ यहाँ पे वर्क होना है अभी, जो आपको 1 महीने के बाद यहाँ डेवलपमेंट थोड़ा सा दिखेगा। ये रोड नहीं है, ये तो रोड ये सामने ही आएगी बिल्कुल इस तरह से, मैप में ये रोड नहीं है, ये टेम्परेरी रोड है पहले से जो यूज़ हो रही थी। ये देखिए ये D7 सामने सेक्टर D7 है, इसमें प्लॉट अवेलेबल है D7 में, देखेंगे आप 194 के प्लॉट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बड़े प्लॉट मिल जाएंगे, अगर आप 300 स्क्वायर यार्ड प्लस में प्लॉट चाहते हैं, 500 स्क्वायर यार्ड प्लस में प्लॉट चाहते हैं, तो इस एरिया में मिल जाएगा, D3, D4 में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह की क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। देखिए ये रोड है, ये रोड आगे जाएगी बिल्कुल इस तरह से, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सफाई हो चुकी है, ये आगे जाएगी और ये गोल चक्कर ऐसे बनना है, उसी में कनेक्ट हो जाएगी।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।